अगर आपके पास मारुति की कार है तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि शातिर चोर अब इको फ्रेंडली हो चुके हैं और मारुति की इको गाड़ी से स्मार्ट तरीके से साइलेंसर चुराना शुरू कर दिया है। चौंक गए ना आप? जी हाँ, क्योंकि मारुति की इको गाड़ी में लगे साइलेंसर की कीमत तो सिर्फ 60,000 रुपए है, लेकिन साइलेंसर में प्लेटिनियम और रेडियम पाया जाता है जिसकी कीमत सोने से भी अधिक है। साथ ही इसमें एक सेंसर काफी महंगा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि साइलेंसर को चुराने वाले शातिरों को ज्यादा मशक्कत भी नहीं करनी पड़ती है। ये बड़े ही आसानी से चोरी की वारदात को अंजाम देकर रफू चक्कर हो जाते हैं और पुलिस के हाथ खाली ही रहते हैं। ऐसे मामले देश के बड़े शहरों में भले ही आम हो, लेकिन पहली बार लैक सिटी में चोरों ने साइलेंसर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। 3 दिन पूर्व शहर के कालका माता रोड निवासी राजू व्यास और कमलेश कुमावत की इको गाड़ी से शातिर चोर साइलेंसर चुरा कर ले गए। इस मामले को जब उदयपुर न्यूज के सहयोगी मयूर जोशी ने पीड़ित से बात की तो उनका क्या कुछ कहना था, आप खुद भी सुन लीजिए। चोरों द्वारा 2 रात पूर्व इस गाड़ी का साइलेंसर चोरी कर लिया गया। दोस्तों, हमने गाड़ी चोरी होते हुए तो हजारों बार सुना होगा, लाखों बार सुना होगा, पर गाड़ी तो यथावत स्थिति में आज भी यहाँ मौजूद है, पर उसका साइलेंसर इसमें मौजूद नहीं है। चोरों ने नई पद्धति से चोरी की तकनीक अपनाई और उससे प्रभावित कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। राजू जी, सबसे पहले तो ये बताएं कि आपको इस बात की जानकारी कब हुई कि साइलेंसर चोरी हुई? 23 तारीख को पता चला गाड़ी का साइलेंसर नहीं, नीचे ने स्टार्ट की तो आवाज़ साइलेंसर नहीं था नीचे जी। उसके बाद आपने क्या करा? मैंने फ़ोन किया था पार्षद राशद को, पदजी उपाध्याय को, उनको बुलाया और बताया। फिर वीडियो ऑफिसर को फ़ोन किया था, वो भी आया यहाँ पे। वहाँ पर मैंने एप्लीकेशन दी थाने के अंदर, तभी तक उसका रिटर्न्स नहीं मिला मेरे को जी। क्या आपको FIR की कॉपी मिली अभी तक? अभी तक नहीं मिली जी। पुलिस द्वारा क्या आपको लगता है कि प्रशासन द्वारा आपको परेशान किया जा रहा है? आप परेशान तो हो रहा हूँ, मैं चक्कर लगा रहा हूँ। मम्मी बीमार हुई, 3-4 दिन से घर में पड़े हुए हैं, उनको अलग कर लूँगा। गाड़ी कैसे मांग के लाऊँ मैं? और वो उसे प्रॉब्लम हो रही, मेरे को भी गाड़ी चाहिए, एक्सीडेंट तो था मेरा, गाड़ी बिना कोई काम होता नहीं है जी। तो हमारे साथ मौजूद थे घटनाक्रम के शिकार राजू जी व्यास, हमारे साथ मौजूद थे। और अगर बात की जाए साइलेंसर की, तो इस साइलेंसर की बाजारी कीमत आज की तारीख में 60 से 70 हज़ार रुपये है। इसको चोरी करने की जो मुख्य वजह है, वो हमने भी हमारे रिसर्च करी तो उसमें पाया कि साइलेंसर के अंदर प्लेटिनियम और रेडियम नामक दो पदार्थ है, जिनकी कीमत बाज़ार में सोने से भी ज़्यादा की कीमत वो रखते हैं। और इसी के अंदर एक सेंसर भी इस साइलेंसर के अंदर लगा हुआ होता है, जो भारत में बनता ही नहीं है, वरन एक्सपोर्ट होता है, और उसकी कीमत 10 से 15 हज़ार रुपये के बीच में आकी जाती है। ऐसे में एक गरीब व्यक्ति, आम व्यक्ति इससे परेशान होता है। और ये कोई कॉलोनी ऐसी नहीं है कि जंगल के बीच में इनका घर हो, ये चलती फिरती रोड है, महज 20 मीटर की दूरी पर कालका माता मंदिर से इनका घर स्थित है। उसके बावजूद भी अगर ऐसी सुस्त रवैया प्रशासन का है, क्योंकि एक और प्रशासन बात करता है कि आम आदमी की सुरक्षा और अपराधियों में डर इनका ध्येय वाक्य है, उसके बावजूद भी अगर ऐसी चीज़ें होती है तो ये प्रशासन के तरीके पर भी सवाल या निशान खड़ा करता है। हमारा चैनल के माध्यम से अपील है आमजनों से और प्रशासन से भी कि इसमें तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये चोरी का नया फॉर्मूला जो चोरों ने ईजाद किया है, इससे और कोई लोग परेशान ना हो, इसके लिए आप लोगों से कटिबद्ध निवेदन है कि इसमें शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई की जाए। धन्यवाद।